हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भडाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। उसी में हम लोग आपका नया चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, और नए चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर आपका 5th है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका है प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, बेसिकली कि हम प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया क्या है, कैसे हम प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया को आपका देख रहे हैं, इसी पर हम लोग आपका एक लेक्चर इसमें कर चुके हैं। एक लेक्चर को लेकर हम इसमें बात भी कर चुके हैं और इन सब चीजों पर हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली, एक एक करके बात कर ली, और शुरुआती छपी हुई अभी किताबें थी तो हमने इसलिए इनको देखा। दूसरा, हमने यूरोप में प्रिंटिंग का आना हमने ये पढ़ा कि कैसे प्रिंटिंग पहुंची। सबसे पहले मैंने बताया कि चाइना में ही प्रिंटिंग जो है आपकी शुरुआत मानी जाती है प्रिंटिंग की, कि चाइना से ही सबसे पहले हमने प्रिंटिंग प्रेस को आगे बढ़ते हुए देखा है, और वही दौर हमने आपका इसके अंतर्गत आपका पढ़ा और टांगा है। ठीक, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे और आगे गौर करके भी हम लोग आपका देखेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने आपका प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से वो आपका देख लिया था। और बात की योहान गुटेन वर्ग का, हमने देखा कि पहले प्रिंटिंग प्रेस कैसे छपती थी। ये सारी चीजें मैं आपको बेटा करा चुका हूँ, एक लेक्चर इसका मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि गुटेन की प्रिंटिंग प्रेस कैसी थी, ये आप उसको देख सकते हो, कहाँ फ्रेम है, कहाँ उसका हैंडल है, कहाँ पर साइंक है, और कैसे बुक को दाब कर छाप बनाकर बुक को छापा जाता था, ये मैंने आपको इसमें बताई। ठीक है, यूरोप की पहली छपी बुक को आप देख सकते हो। ठीक, इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे पहली बुक छापी गई है, आप इसको अच्छे से। मुद्रण क्रांति क्या थी, छापे खाने के अधिकार में महज तकनीक की दृष्टि से नाटकीय बदलाव हुआ, शुरुआत तो नहीं थी, पुस्तक उत्पादन में नई तकनीकी ने, जब आपका नई तकनीकी आ गई, लोगों की जिंदगी में बदला बदल दिया। कैसे किया, जो प्रिंटिंग प्रेस आई इसने लोगों की जिंदगी को, उनका रिश्ता ही नहीं बदल गया बल्कि आलोचनात्मक बदली बदलाव चीजें और लोगों के नजरिए भी बदले। और क्या हुआ, किताबों का एक नया पाठ्य वर्ग सामने आया, छापे खाने के बाद आने से एक नया पाठ्य वर्ग, पाठ्य वर्ग का मतलब है जो लोग बुकों को पढ़ते हैं, तो एक वर्ग नया सामने आया। छपाई से किताबों की कीमत गिरी, किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया, और बड़ी तादाद में प्रतिलिपियां छपना आसान हो गया, बाजार किताबों पट गईं और पाठ्यक्रमों को बेहतर हो गया। कैसे हो गया, पाठ्यक्रमों का आपका बेहतर हो गया, किताबों तक पहुंच आसानी से बढ़ने के लिए नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक सांसारिक जीवन जी रहे थे, वे धार्मिक किताबों का वाचक सुनते थे, कथा गीत और उसको पढ़कर सुनाए जाते थे, किससे उनके लिए बोलकर पढ़ाए जाते थे, ज्ञान का मौखिक लेन देन ही था, लोग बाग समूह में दास्तान सुनाते थे, कोई आलोचना देखते थे। आप 8वें अध्याय में देखते हैं कि तन्हाई में खामोशी से पढ़ने की आदत नहीं थी। छपाई क्रांति के पहले किताब न केवल महंगाई थी बल्कि पर्याप्त मात्रा में छाप खाना भी अवस्था थी। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती हैं। अगर आप पहले जनता का द्योतक थी तो आप कह सकते हैं कि पाठक जनता का अस्तित्व में आ गई थी। क्या हो गई थी, पाठक आपका अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संस्करण सरल नहीं था, किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, और यूरोप के अधिकांश देश में 20वीं शताब्दी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशों के लिए सवाल था कि लोगों की छपाई किताब में दिलचस्पी कैसे जागे। उन्होंने मुद्रण कृति में एक व्यापक पहुंच का ध्यान रखा, जो नहीं पढ़ पाते थे वे बोलकर पढ़कर सुनकर लुत्फ उठा सकते थे। अब जिन लोगों को किताब पढ़ना नहीं आता, कोई उसको पढ़ ले और उसको सुन ले और उसको लुत्फ, लुत्फ का मतलब होता है किसी चीज का आनंद उठाना, उसका वो आनंद उठा सकते थे। इसलिए मुद्रण ने लोकगीत लोक कथाओं को छपना शुरू कर दिया, और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों में खूब सजी यानी कि सचित्रित थी। इन्हीं समूह ग्रामीण सभ्यताओं में शहरी शराब घरों में आपका सुना गया, हर जगह, चाहे कोई सामूहिक सभा हो, शराब खाने हो,
तो इस तरीके से एक नया वर्ग सामने दिखाई दिया। तो जो बच्चे अभी क्लास में नहीं है, बेटे बैठ जाइए, सब अच्छे से बैठ जाइए, आप उथल पुथल ना करें कि वहां क्लास में इधर से उधर, ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रण संस्कृति में दाखिल हुए, छपी सामग्री मौखिक अंदाज से प्रसारित हुई, मौखिक और मौद्रिक संस्कृतियों के बीच विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई, श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। कैसे हो गए? एक दूसरे से आपका घुल मिल गए और चीजें कैसी हो गई? बड़ी अलग आपका हो गई, ठीक है, ये आपको दिखा। धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर। मान लीजिए आपने कोई किताब छाप दी, कोई आपने फोटो बेस बना दी और वो किसी धर्म के खिलाफ निकली या धर्म की किसी की भावनाओं को हाथ हुआ, तो मान लीजिए ऐसा टकराव, ऐसी हिंसा होना बड़ा लाजमी है। अब देखिए, सबसे पहले जब आपका छपाई खाना था, एक इमेज छापी गई है, इसको देखिए। ये आधुनिक यूरोप में प्रारंभ की गई प्रिंटिंग प्रेस के आगमन में उस सब में छपे हुए कई चित्रों में से एक है। छाप खाने में लेकर देवी स्वर्ग से उतर रही हैं और देवी की आजू बाजू मिनर्वा यानी के विद्या की देवी और मरकर यानी के देवदूत विवेक का प्रतीक है। तस्वीर के अगले हिस्से में देश के 6 अग्रणी सिक्कों की छवि इस रूप में दिखाई देती है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखिए, छाप खाने से विचार के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुसीबत द्वारा खुल गए। स्थापित सत्ता के विचारों से अहम होने वाले लोगों में अब विचार के छाप खाने उन्हें फैल सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना कर सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के क्षेत्र में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था, उसने इसका स्वागत भी किया कि उनके मन में कई डर थे। लोगों की छपाई किताब प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सुगमता को लेकर आकांक्षाएं थी। इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर पड़ा? भय था कि अगर छपे हुए पढ़े हुए को नियंत्रित न होगा, लोगों की बागी और आधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर आप ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य नष्ट हो जाएंगे। धार्मिक गुरुओं और सम्राटों में कई लेख कलाकार द्वारा व्यक्त किए गए और नवचिंतक एवं साहित्यिक प्रसारी व्यापक की आलोचना का आधार बने। आइए देखते हैं कि जीवन में कई क्षेत्र में इनका असर हुआ। बहुत सारे सेक्टर में इनका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक सुधार। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए, लुटिन माथर हुए हैं, बहुत बड़े आपका धार्मिक सुधारक हैं, और इन्होंने जो कैथोलिक जो आपकी चर्च हैं यानी कि ईसाइयों की जो आपके चर्च हैं, उसमें आपका दो प्रकार के ईसाई हैं, एक कैथोलिक है एक आपका प्रोटेस्ट है, ठीक, तो उसमें कुछ आपकी कुरीतियां थी और उनकी आलोचना की। अपने 95वें स्थापना दिवस पर लिखा कि एक छपी प्रति गुटेनबर्ग का गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। लूथर ने चर्चा शास्त्रों के लिए चुनौती दी। जल्द ही लूथर का बड़ी लेख बड़ी तादाद में छपने लगा, पढ़ा जाने लगा। इस नतीजे से चर्च में विभाजन हो गया और एक नया वर्ग निकला जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट, धर्म सुधार की शुरुआत हुई। यानी कि कैथोलिक में जो आपका मॉडरेट थे, जो समय के साथ बदल रहे थे, उन कुरीतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक नया आपका निकला और जिनको कहा गया आपका प्रोटेस्ट धर्म सुधारक। क्या कहा गया? प्रोटेस्ट धर्म सुधारक। और ये किसमें आए? ये प्रोटेस्ट धर्म सुधारक थे ईसाइयों के अंदर, जो आपका नया मॉडरेट आपका चाहते थे। कुछ सप्ताह तक आपका लूटर की अनुवांशिक 5,000 प्रतियां बिक गई और महीने के अंत तक दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के तहत महादिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को क्या बता दिया कि भैया जो आपके प्रिंटिंग प्रेस है ईश्वर की महानतम कोई देन है, क्योंकि जो जिस तरह से जो आपका बदलाव ला रही है, माहौल दिखा रही है, वो कोई ईश्वर की ही देन
आपका रची हुई कृति है। सबसे बड़ा तोहफा है, कई इतिहासकारों का ख्याल है कि छपाई के नए बौद्धिक माहौल बना और धर्म सुधार आंदोलन के नए विचार से प्रसारित हुआ, नए विचार इसके अंदर आए और उसे एक मुद्रण और आपका प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या करने से परिचित हुए। 16वीं शताब्दी में इटली के एक किसान मेकोनिया ने अपने इलाके में किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने किताबों के आधार पर क्या किया, बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में विचार बनाया। उसने रोमन कैथोलिक चर्च क्रूद हो गए और ऐसे धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए, आपका धर्म विरोधी को दुष्ट करने वाली शुरुआत की। मेकोनिया को दो बार पकड़ा गया, आखिरकार उसकी मौत की सजा कर दी। धर्म के पास पाठ और उठा लिए गए, उससे परेशान चर्चों पर इन सब चीजों पर आपका बातें की। ठीक, तो प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से लोगों के जीवन में महत्व वगैरह और क्या चीजें रही, आप इसको इसमें अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है, तो एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़। पढ़ने का जुनून, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। अलग अलग संप्रदायों में चर्च ने गांव में स्कूल स्थापित किए, किसान और कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60-80% हो गई। अब जब यूरोप में चीजें रिफॉर्म हो रही हैं और वो लोग आपका लिटरेसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। कैसे हो गया, कि जो लोग हैं उनमें आपका पढ़ने का जुनून है वो आपका पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठक वर्ग की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्से कहानी छपने लगे। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाओं, लोक गीत से करते हुए, लेकिन ज्यादा ही मनोरंजक प्रदान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। जो चीजें थी जो पहले आम लोगों तक नहीं थी वो वहां तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चुंबक्स या एक पेरिया किताब बेचने वालों को चैंपमैन कहा गया। आपसे पूछ ले चैंपमैन कौन था, तो यूरोप में जो लोग आपको किताब बेचते थे उनको चैंपमैन कहते थे। इन किताबों को गरीब तबके के भी खरीद सकर पढ़ सकता था। फ्रांस में वोलोथ्यू बिल्यू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिलत वाली बंदी छोटी किताब हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्नों की प्रेम कहानियां थी और अतीत में थोड़ा सा गाथा थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देखते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिस्सों से किताब के कई आकार थे। जैसे कहानी उसी का आकार होगा। 18वीं शताब्दी के अंत से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया, उसमें सामाजिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और बन्नों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी अलावा देशों की खबरें भी जुड़ी थी। उसी तरह से वैज्ञानिक और दार्शनिक कामने भी काम जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे। प्राचीन और माध्यमिक ग्रंथ साइक्लिन हुआ और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक तबके में भी इतनी बड़ी छाप खाने हुए। एजुआइक, नॉटन, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू कर दिए। वैज्ञानिकों को बड़ा हेल्प हुआ, जो लोग रिसर्च करते थे वो अब लोगों तक वो रिसर्च पहुंच रही थी। उनके लिए विज्ञान बोध का पग एक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम तैयार हो चुका था। टॉमस पेनवेयर और जैसे दार्शनिक किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगी, पढ़े जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान और तर्क और विवेक ने उनके लोकप्रिय साहित्य को जगह बना ली थी। वो सारी चीजें उसके बढ़ रही थी। ठीक, दुनिया के जालिमों और अब हिलोगे तुम, यानी कि अब किस तरह से पाठ्यक्रम था
एक नया वर्ग और पैदा हो रहा था जिसके बारे में तुम अब इसी में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जाली में हिलोगे तुम, तो कैसे पाठ्य वर्ग ने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और लोगों की आम पहुंच तक जो पुस्तकें हैं वो आपके प्रोवाइड कराएं, कैसे कहानी, किस्सों, रोमांचक चीजों में, इतिहास की चीजें पॉकेट रूप में, छोटी छोटी लोगों में जनता तक, मनोरंजन के रूप में, व्यापार से जुड़ी, युद्धों से जुड़ी जो आपकी चीजें थी वो आपका लोगों तक जानकारी पहुंच रही थी, तो इस विषय में आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान उदय होता है। कई सारे लोगों का मानना है कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, वे निरंकुशवाद और आतंकवादी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक उपन्यासकार लुईस मस्तिस ने घोषणा की कि छाप खाने प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे जमानत की अधूरी निरंकुशतावाद को उखाड़ फेंकी जाएगी। मॉविस के उपन्यास में नया अवसर किताबें पढ़ने का बदल गया और वे किताबें घुटती हैं और आपका किताबों की दुनिया में जीत दी गई। इस प्रकार क्रम का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञानोदय का लाना निरंकुशतावाद के आधार पर, तो निरंकुशतावाद का उखाड़ फेंका, नया अवसर किताबों को पढ़ने से आपका बदल गया, वे किताबें घोटते और बाबा किताबों की दुनिया को आपका जीते। इसी क्रम में ज्ञान का प्राप्त करने लेते, ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशता के आधार को नष्ट करने में छाप खाने की भूमिका के बारे में अस्तवस मसीर ने कहा है कि हे निरंकुशवादी शासक, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, अभी लेखक की कलम को जोर से आगे की तुमको हिला देगी। देखिए, जो निरंकुश शासक होता है वो लोगों के अधिकारों से वंचित रखता है, और लेखक जो को राइटर होता है वो लोगों को उनके अधिकार और राइट्स के बारे में जागृत करता है। और पत्र, पत्रिका, न्यूज़पेपर ऐसे माध्यम होते हैं कि अगर एक लेख लिख दो तो हजारों लोग उसको पढ़ सकते हैं, लोगों तक माउथ टू माउथ आपकी कन्विंसिंग हो सकती है। तो इसीलिए कहा था कि जो ये विचार आ रहा है ये लोगों के बदलाव का है, और इसी से जो आपके निरंकुश लोग हैं, जो राजा हैं, जो आपका तानाशाही करते हैं, उनके लिए ये एक आप खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। कैसी हैं अनुकूल परिस्थितियां रची हैं, क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः तीन तरह के तर्क आपके देखने लायक है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतक को विचार का प्रसार हुआ है। लेखन के ने कुल मिलाकर पारंपरिक और अंधविश्वास निरंकुशवाद की आलोचना पेशकश की है, उन्हें रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन के आधार पर दिया है और मांग की है कि हर चीज का तर्क विवेक की कसौटी पर कसा जाता है। उन्हें चर्चाओं की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता की प्रहर करके परंपरागत आधार सामाजिक दुर्बल कर दिया है। वेलफेयर और रूसो ने लेखन में व्यापक पाठक वर्ग था, उन्होंने पाठक का एक नया आलोचनात्मक सवालिया और तर्की नजरिया दुनिया के सामने ला दिया। क्या कर दिया उन्होंने? एक नजरिया जो है आपका पूरे दुनिया के सामने उन्होंने लाकर रख दिया है। ठीक, तो एक नजरिया जो है लोगों के जहन और दिल और दिमाग में आया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। पुराने मूल्य संस्थान के कायदे पर जनता के बैच भैंस मुसाफिर हुई और पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हो गया। तर्क की ताकत से परिचय ही हुआ कि पब्लिक धर्म और आस्था का प्रश्न करने का माहौल समझ चुकी थी। इस तरह से सार्वजनिक दुनिया में सामाजिक क्रांति के सूत्रपात हुआ। इसमें क्या हुआ कि सामाजिक जो क्रांति है उसका आपका सूत्र जो पात है वो आपका होने लगा।
1780 के दशक में राजशाही और नैतिकता के का मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रम में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। कार्टूनों और कैलचरों के व्यंगों ने यह भाव उभरा कि जनता तो मुश्किल से फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी है। भूगत घूमने वाले साहित्य को लोगों को राजतंत्र के खिलाफ आपका भड़का आया। ठीक, तो हम इन तर्कों को कैसे समझेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई के विचार पहले मददाई, लेकिन लोग बाग हर सामग्री को पढ़ते हैं, किस तरह आगे रूसो वेलफेयर भी पढ़ते हैं। चर्चा और राज्य के प्रोपेगेंडा का प्रचार हर नई पीढ़ी की चीज तो थी, सीधे प्रभावित नहीं हो सकती थी। कुछ विचारों को स्वीकार करते हैं तो कुछ को नकारते हैं, फिर भी चीजों को अनपढ़ ढंग से व्यक्त व्याख्या करते हैं। इस तरह से मुद्रांकन के को उसके मानस के सीधे तौर पर भले ही रचा हो, पर इसे अगले ढंग से सोचने और संभवता को खोलने की क्या है आपका जरूरत है, इसी बात को रखा गया। तो ये देखिए एक प्रिंटिंग इमेज है। अब इसके बाद हम 19वीं सदी में क्या चीजें हो रही थी, इसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के मतलब देखा प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे हेल्प की है, क्या चीजें की हैं, किस तरह से उभारा है, चीजें करी हैं, इनको देखेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।